हाई वेलकम टू एच वी एस सी इलेक्ट्रिकल एंड फायर टेक। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और गर्मी के इस सीज़न में जो है, खुद का ध्यान रखें। भारत के कुछ हिस्सों के अंदर जो है टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास पहुँच चुका है, तो अपना ख्याल रखें और ख़ुद को जो है गर्मी से बचा कर रखें। इस गर्मी के अंदर जो है ना तो एसियां काम कर रही है प्रॉपर, और ना ही जनरेटर काम कर रहे हैं, क्योंकि जनरेटर का जो कूलिंग सिस्टम है वो भी अब इस टेम्परेचर के अंदर कभी कभार जवाब दे देता है, क्योंकि वो ओवरहीट होके ट्रिप होने लगता है। तो उसके अंदर जो है हमें निरंतर कूलेंट के चेक करना है कि जनरेटर के अंदर जो है कूलेंट की कमी ना होगी हो। अगर आपको लगे थोड़ा बहुत जनरेटर में कूलेंट है, कम है, तो आप उसे जो है रिफ़िल करें। अभी जो है कुछ दिन पहले एक भाई का, किसी का कमेंट आया था मेरे पास में कि जो हम चलते हुए डीजी के अंदर जो है कूलेंट चेंज कर सकते हैं क्या। तो भाई ऐसा कभी भी ना करें। जब जनरेटर चलता है तो कूलेंट जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और जब कोई भी चीज़ गर्म होती है तो वो फैलती है हमेशा, तो कूलेंट भी थोड़ा बहुत फैलता है गर्म होता है तो अगर आप उसका ढक्कन एकदम से खोल देंगे तो कूलेंट आपके ऊपर गिर जाएगा, और जो है गर्म होने की वजह से आप जल भी सकते हैं, कोई भी इंसिडेंट हो सकता है आपके साथ में। तो कृपया करके चलते हुए जनरेटर में, या जनरेटर को एकदम तुरंत आपने बंद किया है तो उस समय पे कभी भी कूलेंट को चेंज ना करें। आपने कभी भी कूलेंट को चेंज करना है तो उसके लिए कम से कम आपका जनरेटर जो है नॉर्मल टेम्परेचर में होना चाहिए, या कम से कम 2 या 3 घंटे के लिए जनरेटर जो है कंटिन्यू बंद रहे। आप उसके बाद में जो है कूलेंट को चेंज कर सकते हैं, और जब कूलेंट को चेंज करें तो कृपया करके जो है अपने डीजी को मैनुअल या फिर उसकी बैटरी का जो तार है वो निकाल दें, जिससे कि जनरेटर जो है आपका स्टार्ट ना हो सके। कई बार क्या है कि जनरेटर ऑटोमेटिक कंडीशन में होता है और हम उसको ना तो मैनुअल करते हैं और ना ही उसके बैटरी के तार निकालते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो जनरेटर है वो ऑटोमेटिकली लाइट चली जाती है और ऑन हो जाता है, और हमने क्या है उसका कूलेंट निकाल रखा होता है, या हम उसे चेंज करने की जो प्रक्रिया होती है हम उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो सब लोगों से अनुरोध है, सभी लोग अपनी सेफ्टी का पहले ध्यान रखें, उसके बाद में आप किसी भी काम को कर सकते हैं। चाहे आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन हैं, कोई इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हैं, या मैकेनिकल हैं, कोई भी डीजी का या कोई भी मैकेनिक का काम कर रहे हैं, तो अपनी सेफ्टी का खास ध्यान रखें। जीवन जो है हमेशा एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है, तो कृपया करके सभी सेफ्टी का ध्यान रखें और ध्यानपूर्वक काम करें, और इस गर्मी के सीज़न में जो है अपना खुद के शरीर का भी ध्यान रखें। तो अभी जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि कूलेंट हमने कहाँ तक भरना है, कितना रिफ़िल करना है, अभी गर्मी में कितना कूलेंट कम हो जाता है, क्यों कम होता है, वो सब मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो आइए हम चलते हैं अपने जनरेटर पे। जैसे कि हमारे पास ये किर्लोस्कर का एक 62.5 kVA का डीजी है, और इसके अंदर जो है ये कूलेंट बोतल है हमारे पास में, और ये रेडिएटर लगा हुआ है पूरा। और गर्मी के अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है जो हमारा रेडिएटर है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसके अंदर से एयर प्रॉपर पास होनी चाहिए। तो फ्रेंड देखो, इसके अंदर जो रेडिएटर है ये सबसे पहले नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका। बिल्कुल रेडिएटर के अंदर से अगर हवा क्रॉस नहीं होगी तो जो आपका इंजन है वो जल्दी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि आपका जब वो पूरा एयर ही नहीं निकाल पाएगा तो इंजन ठंडा कैसे होगा, ना। और दूसरा जो है कूलेंट हमने प्रॉपर रखना है। कूलेंट के लिए जो बोतल लगी होती है इसके अंदर 2 निशान दिए होते हैं यहाँ पे, ये मैक्सिमम का होता है और ये मिनिमम का होता है। आप इसके बीच में जो अपना कूलेंट है भर सकते हैं, इससे ऊपर आपने कूलेंट नहीं भरना है। अगर ज़्यादा भरते हैं तो जब हीट होता है, कूलेंट गर्म होता है, तो वो फैलता है, फैलने की वजह से क्या है वो बोतल के ऊपर तक आ जाता है। तो आपने जो है इस निशान के बीच में ही कूलेंट को रखना है, अगर इस निशान से कम है तो कूलेंट इसमें ओवर एड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही है, और कूलेंट आप अच्छी क्वालिटी का यूज़ कीजिए, और आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।